इस वीडियो में हम देखेंगे कि हीटर क्या होता है, हीटर हम क्यों लगाते हैं, कैसे दिखता है और उसका काम क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज हीटर, हीटर होता क्या है। हीटर कोई भी चीज़ को गर्म करके मेल्ट कर देता है एक लिमिट टेम्परेचर पर, उसको हम हीटर बोलते हैं। हीटर मतलब गर्म करना, हीट करना, उसको गर्म करना। तो ये किसी चीज़ को गर्म करके उसको मेल्ट कर देता है, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर देता है, उसी को हम हीटर बोलते हैं। तो देखिए, हम इंडक्शन मोल्डिंग मशीन जो होती है उसमें जो हीटर हम लगाते हैं उसके बारे में देखेंगे कि वो क्या करता है, कैसे होता है। देखिए, ये हमारा जो हीटर है ये इंडक्शन मोल्डिंग मशीन में लगाए जाते हैं। जो ये दो वायर निकले हुए हैं, इस वायर को हम थर्मोकपल बोलते हैं। थर्मोकपल क्या करता है, ये क्या करता है, थर्मोकपल का काम होता है कि टेम्परेचर को सेंस करना, कि कितनी टेम्परेचर हम पर इसको हीट करके गर्म कर रहे हैं उस टेम्परेचर को सेंस करता है। अगर उससे ज़्यादा होगा तो ये टेम्परेचर सेंस करके बोल बता देता है कि इतना टेम्परेचर है। ठीक, तो देखेंगे ये हीटर के बारे में। देखिए, ये जो हीटर है इसकी जो ये बोल्ट हो, एक कौन सा स्टेनलेस स्टील का इसमें जो बोल्ट लगे रहते हैं उसको लगाया जाता है। जी, ऊपर का ये जो आपको दिखाई दे रहा है पतली सी एक चादर टाइप की होती है, उसको हम स्टील हाउसिंग बोलते हैं। मतलब स्टेनलेस स्टील होता है, स्टील की बनी होती है लेकिन वो स्टेनलेस स्टील होता है, उसी को हम ऊपर का एक चादर लगाए रहते हैं जिसे हम स्टेनलेस स्टील हाउसिंग बोलते हैं। इसके अंदर देखें, और इसके अंदर क्या होता है, सिरामिक फाइबर इंसुलेटर। सिरामिक जो फाइबर होते हैं ना, उसके अंदर हम फाइबर रखते हैं इसके अंदर, उसके ऊपर वो स्टेनलेस जो सीट होता है, चादर होता है, उसको ऊपर लगाया जाता है। ठीक, और निकल क्रोमियम का रेजिस्टेंस का जो वायर होते हैं, इसके अंदर वायर भी होते हैं, देखिए इसके द्वारा ये गर्म होता है। अंदर का जो ये वायर है, ये कौन कौन से चीज़ का होता है, निकल क्रोमियम का रेजिस्टेंस वायर होता है जो इसको टेम्परेचर को भेजता है गर्म करने के लिए। और जो उसके ऊपर का लगा रहता है जिसके अंदर हम नट बोल्ट रखते हैं, उसको टर्मिनल बॉक्स बोलते हैं। एक बॉक्स होता है जिसके ऊपर रखा जाता है, जिसके अंदर हम बोल्ट को कनेक्ट करने के लिए, वायर को कनेक्ट करने के लिए रखते हैं। ठीक, ये हो गया ओवन हीटर। हम देख लिए कि हीटर क्या होता है। ये हीटर किसी भी चीज़ को गर्म करके उसको एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर देता है, उसको हीटर कहते हैं। हीटिंग मेन उसका काम हीटिंग देना होता है। बस इसमें हम हीटर के बारे में देखें। जो हीटर है पिक्चर में दिखाया जाता है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में यूज ही होता है, और किसी भी चीज़ में हम हीटिंग का जो यूज करते हैं उसमें यूज कर सकते हैं। अब इस टाइप्स ऑफ हीटर के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे। देखिए, टाइप्स ऑफ हीटर, पहला स्ट्रिप हीटर। स्ट्रिप हीटर क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सबके पहले हम इस वीडियो में बस देखते हैं टाइप्स ऑफ हीटर, कि हीटर कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट होगा स्ट्रिपर हीटर, और सेकंड बेंड हीटर। बेंड हीटर ही बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया में यूज होते हैं। इंडस्ट्रीज में हमारा जो बेंड हीटर होता है ना, सबसे ज़्यादा बेंड हीटर ही यूज होते हैं। थर्ड पॉइंट होता है ऑटोमेटिक बेंड हीटर कन्फिगुरेटर। ऑटोमेटिक बेंड हीटर कन्फिगुरेटर, ऑटोमेटिक भी कोई होता है हीटर जिसके द्वारा हम टेम्परेचर को ले लेते हैं। फोर्थ होता है कटराइज हीटर।
ये भी एक हीटर है जिसका नाम कार्टराइज हीटर है। और फिफ्थ ऑटोमेटिक कार्टराइज हीटर, एक होता है कार्टराइज हीटर, एक होता है ऑटोमेटिक कार्टराइज हीटर। और सिक्स्थ पॉइंट होता है क्लॉथ हीटर, जैसे कि कपड़े को गर्म करना, वॉशिंग मशीन में डाल के वॉश करना, उसको हीट करना, उसमें जो हीटर लगे रहते हैं उसको क्लॉथ हीटर बोलते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में हम देखें कि हीटर क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो हीटर तो बता दें, हीटर एक ऐसा चीज़ है जो किसी भी चीज़ को गर्म कर देता है। ठीक, और इसके टाइप, इस वीडियो में हम उसके टाइप भी देखें।